हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम जा रहे हैं आज 10 किलोमीटर दूर अपनी टाउनशिप से। पागल, 3 किलोमीटर दूर है वो। 3 किलोमीटर है। ओके यार, तो अपने भाई के साथ जा रहे हैं। भाई भाई कैसा लग रहा है? बहुत मस्त मज़े आ रहे हैं। आज को मौका मिला है बाहर जाने का। अरे वो तो बता, वो तो बता पहले क्या हुआ। तो अभी हम ना क्या कहते हैं, साइकिल से जा रहे थे, तो मैंने तो हवा भरवा ली थी, इसके पंप से ही भरवाई थी, पर क्या हुआ, इसकी साइकिल बेकार हो रखी थी। तो बेकार थी, बस पैडल करा। हाँ, पैडल करा आपने। तो क्या होगा कि हम ठीक करवाने गए बाहर, तो पोपट हो गया दोनों दुकान पे, उन्होंने मना कर दिया ठीक करने, तो इसलिए हम स्कूटी पे आए। अरे बहुत माफ कर रहे थे वो, ठीक कर देते हैं वो कभी। यहाँ के ऐसे ही है, ऐसे ही है। दिखाई नहीं दे, ब्लॉग मोबाइल की तरह देखने लग गए। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। भाई तू फर्नीचर बाहर जाना पड़ रहा है। जैसा हर जगह होता है ना भाई, यहाँ पे टाउनशिप होती है शायद, पता नहीं, जो प्रोटेक्शन तो वही करती है, पता नहीं, जो रिफाइनरी की हो सकता है शायद जिम्मेदारी उनकी होती है। रही है वैसे कुछ होगा नहीं। ओ कहीं पड़े मिलेंगे। पुलिस वाले, बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है और जा नहीं सकते क्योंकि बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के। जल्दी कर ले, आगे मेहमान आ रहे हैं, देख ले क्या कर रहे थे। दिखा दे आगे कौन आ रहा है वो देखो। एक और चैलेंज क्या करे अब, कहाँ जाए? अंदर जाना सेफ है, फोन करके पूछे किसी से। आगे लेके इतनी पहचान नहीं है। इधर ही देख रही है। सीधा देखते हैं, कोई ऐसा अंदर जा रहा होगा ना कुछ कर ले। भाई वो प्लान कैंसिल, भाई कैंसिल प्लान, कैंसिल है भाई प्लान अपना, नहीं जा सकते यार, क्या करें, मजबूरी है। डर लग रहा है, चेकिंग हो रही है वहाँ, कोरोना का वो भी है ना, इसको तो चेकिंग हो रही है वहाँ पे। बाहर से देख के भाग के आ गए, बाहर से बाहर आ गए हम तो, बाहर से दर्शन कर लिए हमने। इतने दूर नरक फूल को छीन के भाग गया ना। ओ हाँ, सारा ब्लॉक पेंट में निकल जाएगा। क्या बिगाड़ पर ये है वहाँ पर पुलिस का एरिया। अरे बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, हेलमेट तो लाने चाहिए था पर वैसे तो
वैसे तो लाइन है रिस्क है कि रिस्क है तो इश्क है, पर भाई यहाँ पर तो रिस्क है तो भाई सीधा डंडा है पुलिस का। घर पे फोन किया ना तो भाई फिर तो यही बोलेंगे टाटा गाय साहब का ब्लॉग हमारा आखिरी था। वैसे तुझे पता है हम टाउनशिप के पहले ब्लॉगर हैं। हैं कहाँ ना सही में मम्मी खाली है बस टाउनशिप में है, मम्मी अकेले खाली है पूरी टाउनशिप में, हमसे ज़्यादा खाली और कोई नहीं है। अरे वो बाकी म्यूजिक वीडियो बनाते हैं थोड़ा अच्छा म्यूजिक वगैरह। अभी कहाँ चक्कीर पे चलेगा तो अभी हम देखते हैं कहाँ चलेगा। अब हम खाने का ये अपना चकबीर स्वीट्स ये अभी हम खाने का ढूंढेंगे क्योंकि हमारा बहुत बुरे वाला। भटकते भटकते ये ऐसे ही दतलाना की हाँ पता है नई एरिया है। देखो भाई दुकान पे ना पास में सेफ है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तो भाई ये अपनी दुकान है ये वाली, मज़ा आ गया भाई। अपनी थोड़ी है दुकान। हाँ वो अपनी ही कह रहा हूँ। तो गाइस हम लोग आए हैं जगबीर स्वीट और यहाँ पर हम दो बर्गर कितने 20-20 वाले थे ना, दो बर्गर और दो प्लेट दही पापड़ी चाटर है। अभी गई अबे भाई साहब इतनी जल्दी आ गई। चल ठीक है खा लेते हैं। बे टाइम लैप्स हो गया ना, बहुत टेस्टी है भाई। बहुत मजा आया, अभी देख रहे हैं भाई। यहाँ का फेमस है ना, यहाँ की फेमस दुकान है, सब जानते हैं सारे काम से पहले इधर। सेकेंड मील, सेकेंड मील भाई मेरा पेट भर गया। सही पापड़ी चाटी इतने हैवी था वो है सच में। चल खाते हैं भाई। कैसे खाएंगे बहुत मजा आ गया। नहीं 100 रुपये है ना, चिप्स भी खरीद लिया, पूरे 100 रुपये खपा के आए हम। ओ पेट भर गया। ड्राइवर चेंज फोन गिर तो नहीं जाएगा। एंट्री मारते मास्क ऊपर डंडा लेके खड़ा हो क्या कर रहे तो ये एरिया है अपने टाउनशिप का गेट है, ये अपना अपना गेट है अपना घर का, ये अपने कुंडी लगवानी पड़ेगी। घूमेगा तो अभी हम करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही पंतिया के साथ, तब तक के लिए।